चलिए अब इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है, गुलाम बल है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है केंद्रीय बल, दूसरा है विद्युतीय बल, तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई सही आंसर है दोनों, क्योंकि यह केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, यानी दोनों। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया जा रहा है, स्थिर विद्युतीय बल होता है। चार ऑप्शन हैं, पहला है संरक्षी, दूसरा असंरक्षी, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देख, स्थिर विद्युतीय बल होता है संरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है कूलाम, तीसरा है फैराड, और चौथा है जूल। तो सही ऑप्शन है कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक स्टेट कूलाम होता है। पहला ऑप्शन है 3×10⁻⁹ कूलाम, दूसरा है 3×10⁻²⁺ कूलाम, तीसरा है 1/3×10⁻⁹ कूलाम, और चौथा है 1/3×10⁻⁹ कूलाम। तो सही आंसर है द डी, 1/3×10⁻⁹ कूलाम। किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 4.5, और चौथा है अनंत। तो वह इनमें से सही आंसर है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। भाई कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है एक होती है, दूसरा है एक से ज़्यादा होती है, तीसरा एक से कम परंतु शून्य नहीं होती है, और चौथा है शून्य होती है। तो सही आंसर है 100, एक से कम परंतु शून्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है -1, दूसरा है 0, तीसरा है 0.5, और चौथा है 5। तो भाई इसका सही आंसर है द 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 1 से अधिक, और चौथा है अनंत। तो इसका सही आंसर है द अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है। पहला है 9×10⁹ मीटर पर फैराड, 1.6×10⁻⁹ कूलाम, 8.85×10⁻½ फैराड, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई सही आंसर है 8.85×10⁻½ फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। पहला है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा कूलाम प्रति वोल्ट, तीसरा फैराडे प्रति मीटर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है फैराडे पर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए।
तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, परावैद्युतता का ईसाई मात्रक होता है। पहला है कुलाम स्क्वायर, चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, और तो इनमें से सही आंसर है द, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता बराबर होती है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो सही आंसर है अ, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है ईसाई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन न्यूटन मीटर माइनस वन, कूलाम स्क्वायर न्यूटन माइनस वन मीटर स्क्वायर, छ है सी वी माइनस वन, और ड है एन एम स्क्वायर सी माइनस वन। तो सही आंसर है पॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 1.6 × 10⁻¹⁹, दूसरा है 6.25 × 10⁻¹⁸, तीसरा है 6.25 × 10⁻²⁰, और चौथा है 6.25 × 10⁻¹⁸। तो सही आंसर है ब, 6.25 × 10⁻¹⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का मूल गुण होता है, चार ऑप्शन, आवेश योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटमीकृत होता है, और लास्ट उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त यानी डेट।